दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक लड़का भी बच्ची को जन्म दे सकता है, वो भी 9 महीने गर्भ में रखने के बाद। जी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, यह मामला ब्रिटेन का है जहां 21 साल के लड़के ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। इस लड़के का नाम हेडन क्रॉस है। बता दें सितंबर में हेडन एक स्पर्म डोनर की वजह से प्रेग्नेंट हुए। उन्हें ये स्पर्म डोनर फेसबुक की मदद से मिला था। तब उन्होंने ये बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। हेडन को ये स्पर्म अनजान शख्स ने दिए थे, बाद में उन्होंने इसे कंसीव कर लिया। इसके 2 हफ्ते बाद हेडन ने चेक किया तो वो प्रेग्नेंट हो चुके थे। अब हेडन ने एक बच्ची को जन्म दिया है, उनकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है और बेटी का नाम ट्रिनिटी ली रखा है। डन अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। वो कहते हैं ट्रिनिटी उनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आई है, उनके लिए एक मिक्सड फीलिंग की तरह है। हेडन पहले एक लड़की थे और उन्होंने बाद में अपना जेंडर चेंज करा लिया था। उन्हें ब्रिटेन में कानूनी रूप से पुरुष का दर्जा मिल चुका है और अब वो एक बेटी की माँ और बाप दोनों बनकर बहुत खुश हैं। यह मामला पहली बार नहीं है, कई देशों में अब पुरुष बच्चों को जन्म देने का ट्रेंड बना रहे हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा करते हैं, तो इन मामलों में भी बाहर देश के पुरुष बच्चों को जन्म दे रहे हैं।